हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं सुजीत सर और आपका YEC चैनल पर स्वागत है। और आज हम लोग जो है सीखने वाले हैं ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो फॉर द कम्प्लीमेंट्री एंगल, दैट मींस साइन 90 माइनस थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा, टेन 90 माइनस थीटा, इन सब एंगल्स के बारे में सीखने वाले हैं। और उसके जो फॉर्मूले होते हैं वो कैसे होते हैं और उससे जो रिलेटेड क्वेश्चन होता है उसका सोल्यूशन कैसे होगा ये हम जानने वाले हैं। तो चलिए व्हाइट बोर्ड पर इसका हम सोल्यूशन करना सीखते हैं। ओके, एक्सरसाइज 8.3 में हम लोग फाइंड आउट करेंगे ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज को, जो कि कम्प्लीमेंट्री एंगल्स के लिए था, जो पीछे हम लोग पढ़ चुके थे। तो इसमें पहला है क्वेश्चन नंबर 1 इज फाइंड द वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग। ओके, फर्स्ट क्वेश्चन इज साइन 18 अपॉन कॉस 72। इन दिस सम वी हैव टू चेंज आइदर न्यूमरेटर आइदर और द डिनोमेटर। हमें न्यूमरेटर को या फिर डिनोमेटर को चेंज करना है, किसी एक को चेंज करना है। चलो हम इसको चेंज कर देते हैं, इसको मतलब न्यूमरेटर को हम लोग चेंज कर देते हैं। ओके, चलिए तो साइन को लिखा जाएगा कॉस 90 माइनस 18। क्यों? क्योंकि साइन 90 माइनस कॉस 90 माइनस थीटा होता है साइन थीटा, इसलिए। ओके, और नीचे वाला एज इट इज हम लोग राइट कर देंगे। अब क्या होगा, कॉस 90 माइनस 18 हाउ मच, दिस विल बी 72। और नीचे भी क्या है आपका, कॉस 72। दोनों हमारे हम क्या होंगे, दोनों हमारे एक दूसरे से कट जाएंगे, एक दूसरे से क्या होंगे हमारे दोनों कट जाएंगे और हमारा जो आंसर आएगा वो क्या आएगा, इज इक्वल टू 1। दिस विल बी आंसर ऑफ द सॉल्यूशन ऑफ द क्वेश्चन। ना इसी पहले का हम लोग सेकेंड वाला देखते हैं। इसी पहले का जो सेकेंड है वो आपका है फर्स्ट का सेकेंड। क्वेश्चन इज टेन ट्वेंटी सिक्स अपॉन कॉट 64। टेन 26 अपॉन कॉट 64। इन दिस वी हैव टू चेंज आइदर डिनोमिनेटर और द न्यूमिनेटर। चलो इस बार हम लोग डिनोमिनेटर को चेंज करके देखते हैं। ओके, वैसे आंसर सेम आने वाला है, आपको कोई प्रॉब्लम होने की जरूरत नहीं है। तो कॉट को क्या लिख सकते हैं, टेन 90 माइनस 64। नाउ इन द नेक्स्ट लाइन व्हाट विल बी, टेन 26 अपॉन टेन 90 माइनस 64 की जब करेंगे तो आपका 26 ही आने वाला है। जनरली जब हम चेंज करते हैं तो ऊपर वाले को चेंज करते हैं तो नीचे वाला जो नंबर रहता है वो आ जाता है, या फिर नीचे वाले को चेंज करते हैं तो जो ऊपर वाला नंबर रहता है यानी जो न्यूमरेटर में नंबर रहता है वो आ जाता है। तो इस तरह से होता है। अब ये दोनों हमारा सेम है, टेन ट्वेंटी सिक्स कट गया तो आंसर विल बी 1। ओके, नाउ थर्ड क्वेश्चन इज कॉस 48 माइनस साइन 42। इन दिस क्वेश्चन वी हैव टू चेंज ओनली 1, दैट मीन्स आइदर कॉस 48 आइदर और साइन 42। नाउ कॉस को क्या लिख देंगे हम लोग, साइन लिख देंगे, साइन 90 माइनस 48 एंड दिस इज साइन 42। नाउ साइन 90 माइनस 48 हाउ मच, 42 माइनस साइन 42 एंड दिस विल बी सेम माइनस सेम विल बी 0 एंड द आंसर विल बी 0। तो इसका आंसर क्या आएगा अपने पास, 0 आएगा। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, कोसेक 31 माइनस सेक 59। तो इसी तरह से या तो हम इसको चेंज करेंगे या तो इसको चेंज करेंगे, दोनों में से किसे को चेंज करेंगे। चलो इसको चेंज कर देते हैं, कोसेक वाले को चेंज कर देते हैं। तो कोसेक को क्या लिखेंगे, सेक 90 माइनस 31 और ये वाला क्या हो जाएगा, ये वाला हो जाएगा आपका सेक 59। तो क्या आएगा, सेक 90 माइनस 31 आ जाएगा,
659, और ये वाला भी आपका क्या है 659, सेम माइनस सेम कटिंग इज इक्वल टू जीरो एंड दिस विल बी आंसर फॉर योर क्वेश्चन। ओके, तो इस तरह से हमारा हो जाएगा। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर टू पे। क्वेश्चन नंबर टू इस पे है प्रूफ दैट शो दैट फॉलोइंग शो दैट ओनली शो दैट फर्स्ट इज व्हाट 1048 1023 1042 एंड 1067 इज इक्वल टू वन। तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, LHS लेंगे। इसका जब सॉल्यूशन करना होगा तो हम लोग क्या करेंगे, LHS लिया जाएगा। LHS में क्या है, क्वेश्चन को हमें कॉपी कर लेना पहले, 1048 1023 1042 एंड 1067। इसमें से हमें क्या करना है, किसी दो को लेना है और उसमें से हमें चेंज करने हैं। ठीक है, किसी दो को लेना है, किसी दो को छोड़ देना है। दो को चेंज करेंगे तो बाकी दो जो है ऑटोमेटिक अपना आ जाएगा। ठीक है, चलिए हम इन दोनों को चेक करते हैं, चेंज करते हैं 1048 और 1023 को। चलो देखो, तो 10 को क्या लिख देंगे, कॉट 90 माइनस 48। इस 10 को क्या लिखेंगे, कॉट 90 माइनस 23। बाकी दोनों को एज इट इज लिख दो, 1042 इंटू 1067। अब नेक्स्ट में हम आएंगे, नेक्स्ट स्लाइड में जब हम लोग आएंगे तो क्या होगा, देखिए कॉट 90 माइनस 48 है, तो 48 जब माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 42 आ जाएगा कॉट का, और 23 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, 67 आ जाएगा कॉट का। क्या आ जाएगा, 10 आ जाएगा आपका कॉट 42 इंटू कॉट 67, यहाँ पे क्या था, 1042 इंटू 1067। अब हम लोग जानते हैं 10 थीटा इंटू कॉट थीटा इज इक्वल टू 1 होता है, आप लोगों ने देखा होगा 10 थीटा इंटू कॉट थीटा इज इक्वल टू 1। ये पहले हम बता चुके हैं, आप फर्स्ट वीडियो में आपको ये बताया गया था, 10 थीटा इंटू कॉट थीटा इज इक्वल टू 1, यानी थीटा सेम होना चाहिए, दैट मीन्स एंगल सेम होना चाहिए। तो इस तरह से हमारा ये है, कहाँ पे कॉट 42 इंटू 1042, एंगल सेम है और टेन और कॉट का मल्टीप्लाई है तो क्या आ जाएगा, 1। इसी तरह ये क्या आएगा, ये वाला आ जाएगा आपका 1, दैट मीन्स 1 इंटू 1 कितना आएगा, 1 ही आएगा। और इस तरह से हमारा RHS हो गया, प्रूव्ड हो गया। ये किसकी वैल्यू है, ये आपकी जो है RHS की वैल्यू है, हेंस प्रूफ्ड। तो इस तरह से हमारा जो क्वेश्चन हुआ, क्या हुआ, इस तरह से क्वेश्चन हमारा प्रूव हो गया। नाउ नेक्स्ट, इधर आपका सेकंड क्वेश्चन है, दूसरे वाले में, सेकंड वाले में सेकंड, सेकंड का सेकंड क्या है, कॉस 38 इंटू कॉस 42 सॉरी 52 माइनस साइन 38 साइन 52 इज इक्वल टू 0 लाना है। तो अपने को क्या करेंगे, किसी एक को चेंज करना है। ठीक है, 0 लाने के लिए हमें क्या करना होगा, इसको चेंज कर देते हैं। और इसको चेंज करते हैं, इन दोनों को एज इट इज रहने देते हैं। कॉस को क्या लिख सकते हैं, साइन। ठीक है, 90 माइनस 38 कॉस को क्या लिख सकते हैं, साइन 90 माइनस 52। ठीक है, माइनस साइन 38 साइन 52
तो ऊपर क्या जाएगा आपका, ऊपर आपका आ जाएगा साइन 90 माइनस 38, साइन 52, साइन 38 माइनस साइन 38, साइन 52। अब दोनों वैल्यू क्या है, सेम है, सेम माइनस सेम इज इक्वल टू व्हाट, 0। तो इस तरह से हमारा ये आरएचएस जो है, आरएचएस का सोल्यूशन हो गया, मतलब एलएचएस हमने फाइंड किया और आरएचएस क्या आ गया, 0 आ गया। तो इस तरह से आपका सोल्यूशन कंप्लीट हो गया। नाउ थर्ड क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन इज दैट इफ tan 2a इज इक्वल टू cot a माइनस 18, ओके फाइंड वैल्यू ऑफ a। फाइंड वैल्यू ऑफ a, हमें यहाँ पर a की वैल्यू फाइंड करनी होगी। वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ ए। नाउ इट इज गिवन दैट टेन टू ए इज इक्वल टू कॉट ए माइनस 18। तो किसी एक को चेंज करेंगे, चलो इसी को हम टेन टू ए को चेंज कर देते हैं। तो क्या लिखते हैं टेन को, टेन को लिख सकते हैं कॉट 90 माइनस 2a बराबर cot a माइनस 18। तो cot cot क्या हो जाएगा, यहाँ पे कट हो जाएगा, बचेगा क्या 90 माइनस 2a इज इक्वल टू a माइनस 18। तो अब वेरिएबल को एक साथ रखेंगे, कांस्टेंट को एक साथ रखेंगे, दैट मीन्स माइनस 2a माइनस a इज इक्वल टू माइनस 18 माइनस 90। यहाँ पे हमने क्या किया, ठीक है, यहाँ पे हमने क्या किया, इसको हमने यहाँ भेज दिया वेरिएबल को वैल्यू के साथ और 90 को इधर भेज दिया। तो ये आ गया आपका माइनस थ्री ए इज इक्वल टू माइनस 18 और 90 क्या होगा, वो हो जाएगा 108। देन ए विल भी क्या होगा, माइनस 108 अपॉन 3 हो जाएगा, माइनस का 3। नीचे हम लोग क्या लिखेंगे, a इज इक्वल टू माइनस 108 अपॉन 3 से हम लोग 108 को डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, 3 से 9 1 आया, 1 और 8 आया, 3 6 18, दैट मीन्स a इज इक्वल टू हाउ मच, आंसर a विल बी 36 डिग्री। तो इस तरह से इसका सोल्यूशन हो गया, ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 में हम देखेंगे क्या लिखा है, टेन ए इज इक्वल टू कॉट बी। वी हैव टू प्रूव दैट, शो दैट, या प्रूव दैट ए प्लस बी इज इक्वल 90। देन हाउ कैन यू सॉल्व, फर्स्ट ऑफ ऑल वी राइट एज व्हाट इज गिवन, इट इज गिवन दैट टेन ए इज इक्वल टू कॉट बी। इसमें से किसी एक को चेंज करना होगा, चलो कॉट को चेंज कर देते हैं, कॉट को क्या लिखेंगे, टेन 90 माइनस बी। अब क्या होगा, अब आपका क्या होगा भाई, अब आपका ये होगा कि जो टेन टेन है वो कट जाएगा, देन व्हाट इज द रिमेनिंग, रिमेनिंग ए इज इक्वल टू 90 माइनस बी। बी को हम लोग इधर लाएंगे तो क्या होगा, ए प्लस बी इज इक्वल टू 90 एंड दिस इज द रिक्वायर्ड एक्सप्रेशन एंड हैंस प्रूफ्ड, ठीक है। सेम आपका क्वेश्चन नंबर 5 होगा और सेम आपका क्वेश्चन नंबर 6 होगा। चलिए आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 कर लेते हैं। 5 में भी क्या है, sec 4a इज इक्वल टू cosec a माइनस 20।
इसमें भी क्या है, sec को चेंज कर देते हैं, तो सब क्यों क्या लिखेंगे, cosec 90-4a इज इक्वल टू cosec a माइनस 20. नाउ cosec cosec विल बी कैंसल आउट, cosec cosec विल बी कैंसल आउट, देन वी गेट व्हाट विल गेट, व्हाट विल वी गेट, वी गेट 90-4a इज इक्वल टू a माइनस 20. वेरिएबल को एक साथ रखो, माइनस 4a माइनस 5 सॉरी माइनस 4a माइनस a इज इक्वल टू माइनस 20 माइनस 90. यह आएगा आपका माइनस 5a इज इक्वल टू माइनस 110. देयरफॉर a इज इक्वल टू माइनस 110 अपॉन माइनस 5. डिवाइड जब करेंगे तो कितना आएगा, 5 2 10, 5 2 10 22 आंसर आ गया आपका. ओके, तो इस तरह से आपका आंसर आया. अब इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 6, और वो ऐसा क्वेश्चन आता भी है, ये जो अभी हमने रिसेंटली क्वेश्चन नंबर 4 और 5 पढ़ा, 3, 4, 5 पढ़ा, ये भी इंपॉर्टेंट है. आपके 2 मार्क्स में ये क्वेश्चन आपके आते रहते हैं एग्जाम में, बोर्ड के एग्जाम में. ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 6, ये भी आपका इंपॉर्टेंट है किसी भी एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू के लिए. नाउ क्वेश्चन नंबर 6, शो दैट फॉर एनी ट्रायंगल एबीसी शो दैट साइन बी प्लस सी अपॉन 2 इज इक्वल टू कॉस ए अपॉन 2. अब देखो हम लोग एक ट्रिक लेंगे, सॉल्यूशन कैसे करते हैं. देखिए, अब हम लोग जानते हैं किसी भी ट्रायंगल के लिए, अगर कोई ट्रायंगल ए बी सी हो, तो वी नो दैट फॉर एनी ट्रायंगल वी नो दैट ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 180. दिस स्टेटमेंट यू हैव टू राइट दिस स्टेटमेंट दैट कि वी नो दैट द सम ऑफ द सम ऑफ द एंगल ऑफ द ट्रायंगल इज 180. देन वी हैव टू राइट दिस लाइन. ओके, नाउ अब हम देख रहे हैं कि LHS में क्या है, बी प्लस सी साथ में, हम LHS के हिसाब से लेंगे और RHS को लाएंगे. तो बी प्लस सी है, तो बी प्लस सी को एक साथ रखो, अब हम क्या करेंगे, टेकिंग साइन, LHS में क्या साइन लिया गया है, तो लिखेंगे टेकिंग साइन, नो फर्स्ट ऑफ ऑल डिवाइड बाई 2. अब डिवाइड बाई 2 है, ओके, देन वी टेक साइन ऑफ द बोथ साइड, इन फर्स्ट ऑफ ऑल डिवाइड बाई 2, डिवाइडिंग बाई 2 ऑन बोथ साइड. ठीक है, तो क्या होगा, बी प्लस सी अपॉन 2 इज इक्वल टू 180 अपॉन 2 माइनस ए अपॉन 2. देन वट विल वी गेट, b प्लस सी अपॉन 2 इज इक्वल टू 90 माइनस ए अपॉन 2. ठीक है, क्लियर है. अब इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, टेकिंग साइन. तो क्या आया था आपका, b प्लस सी अपॉन 2 इज इक्वल टू 90 माइनस ए अपॉन 2. नाउ टेकिंग साइन ऑफ बोथ साइड, देन वी गेट साइन बी प्लस सी अपॉन 2 इज इक्वल टू साइन 90 माइनस ए अपॉन 2. देन क्या हम पाएंगे, फिर हम पाएंगे साइन बी प्लस सी अपॉन 2 साइन 90 माइनस थीटा. क्या है भाई, साइन है 90 माइनस थीटा है, तो क्या होता है, कॉस थीटा, थीटा यानी ए अपॉन 2, और यही हमें क्या करना था, लाना था. क्वेश्चन में जब आप देखेंगे तो ये हमें लाना था, और इस तरह से हमारा क्या हुआ, ये प्रूव हुआ. ओके, इस वीडियो में तो हमने प्रयास किया है कि आप सभी को जो है दर एक क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ जाए. आशा करता हूँ आप लोगों को सॉल्यूशन समझ में आया होगा.
अगला वीडियो हम जो है एक्सरसाइज 8.4 के लिए डालेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू।